हेलो गाइस, मैं हूं अरिजीत और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल अम्यूजिंग प्रोजेक्ट पे। सो गाइस, आज हमारे पास है नोबा की तरफ से आने वाला नोबा NHT1076 मॉडल का ट्रिमर। आज की इसी वीडियो में इसी ट्रिमर को आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे और देंगे आप लोगों को इसी के रिव्यू। आप एक ट्रिमर बाय करने की सोच रहे हो तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहे और स्किप मत करिए। गाइस, ये जो ट्रिमर है ये बहुत ही कम प्राइस में ऑनलाइन में अवेलेबल है। मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ 398 रुपीज़ में परचेस किए। आप भी इसको परचेस करने के लिए सोच रहे हो तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहे कि ये जो ट्रिमर है ये बहुत ही कम प्राइस के बट इसका जो स्पेसिफिकेशन है और कटिंग क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा तो वीडियो का स्किप मत करिए। इसका जो प्राइस है ये 899 रुपीज़ है बट डिस्काउंट के थ्रू मैंने इसको 398 रुपीज़ में परचेस किए। अभी आप इसको फ्लिपकार्ट पर सर्च करोगे तो ये आपको 450 रुपये में देखने को मिलेगा। तो चलिए बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं इसी बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको ट्रिमर देखने को मिल जाते हैं जो एक प्लास्टिक रैप के अंदर है। तो सबसे पहले इसको बाहर निकालते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में एक LED इंडिकेटर है, उसके बाद यहाँ पे स्विच है और ऊपर में कटिंग ब्लेड्स है। स्विच को जैसे आप यहाँ पर ऊपर में करोगे तो यहाँ पर आपका जो ट्रिमर है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा और कटिंग के लिए रेडी हो जाएगा। और स्विच को नीचे करने से यहाँ पे जो है ट्रिमर ऑफ हो जाएगा। इसी तरीके से स्विच के थ्रू आप यहाँ पे ट्रिमर को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद इसी ट्रिमर को चार्ज करने के लिए यहाँ पे आपको चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 तरह की कटिंग लेंथ कॉम देखने को मिल जाता है, जिसमें से सबसे पहला है 3 mm, उसके बाद 6 mm, उसके बाद 9 mm, जिसके थ्रू आप आपके जो हेयर है उसको उसी लेंथ अनुसार यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लीनिंग ब्रश देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आप आपके ट्रिमर को यहाँ पे क्लीन कर सकते हैं। आपके ट्रिमर में छोटे बड़े किसी भी तरह का हेयर है तो आप इसके थ्रू इसको इजीली क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑयल बोतल देखने को मिल जाता है और यूज़र मैनुअल था जिसको मैंने यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिखाया। तो अभी हम आते हैं हमारे मेन पार्ट ये ट्रिमर के पास। तो ट्रिमर में आपको स्विच देखने को मिल जाते हैं जिसको ऊपर करके आप ट्रिमर को ऑन कर सकते हो और नीचे करके आप यहाँ पे ट्रिमर को ऑफ कर सकते हो। और यहाँ पे नीचे में आपको एक चार्जिंग इंडिकेटर देखने को मिल जाता है और उसके नीचे में आपको नोबा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे इसी के नीचे में आपको जो चार्जिंग पोर्ट है वो देखने को मिल जाता है और पीछे में इसी ट्रिमर के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इसका मॉडल नंबर है NHT1076। ये 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट में ये चार्ज होगा जो 50 हर्ट्ज में है। और इसमें एक 3 वाट के मोटर देखने को मिल जाता है और इसके ऊपर में ये जो ब्लेड है इसको आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसी ब्लेड के ऊपर थोड़ा सा प्रेस करिए तो ये अपने आप यहाँ पर निकल जाएगा। और खोलने के बाद आप यहाँ पर ब्लेड को क्लीन करने के बाद आप इसको इस तरीके से यहाँ पर लगा सकते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ पर लॉक करिए और थोड़ा सा प्रेस करने से ये यहाँ पर लग जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे स्विच ऑन करके फिर से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, अभी हम जान लेते हैं इसके साथ जो 3 लेंथ के जो कटिंग लेंथ कॉम देखने को मिल जाते हैं उसको कैसे यहाँ पे अटैच करते हैं। इसको अटैच करना बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आप इसको इधर पे डालिए और डालने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ पर प्रेस करिए। जैसे आप प्रेस कर देंगे तो ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, देन यूज़ करने के लिए ये रेडी हो चुका है। और इसको इससे अलग करना बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रेस करिए तो ये यहाँ पे इजीली खुल जाता है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे जो 6 mm है उसको लगा के देखते हैं। 6 mm को लगाना बहुत ही ईजी है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको कैसे लगाए और यहाँ पे इसको खोलने के थोड़ा सा प्रेस करिए तो ये यहाँ पे खुल जाएगा। इसी तरीके से आप 6 mm, 3 mm, 9 mm किसी भी लेंथ का जो कटिंग कॉम है आप इसको यहाँ पर ईजीली लगा सकते हैं और आपका दरी इसके अनुसार आप यहाँ पर ट्रिम कर सकते हैं। और इसी ट्रिमर को चार्ज करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसके नीचे में जो यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है इसके अंदर इसी केबल को यहाँ पे लगाइए तो यह यहाँ पे चार्ज करने के लिए रेडी हो गया है। और जब आप इसको चार्ज करोगे तो इसके ऊपर में एक लाल कलर का इंडिकेटर है जो यहाँ पे जलता है। और 8 घंटे की चार्ज करने के बाद आपको इससे 45 मिनट्स की कटिंग टाइम देखने को मिल जाता है, मतलब 8 घंटे के चार्ज करो और 45 मिनट तक आप इसको यूज़ करो। और जब ये चार्ज होगा तो रेड कलर की इंडिकेटर यहाँ पे जलेगा और फुल चार्ज होने के बाद आपको यहाँ पे किसी भी तरह का इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता है। तो गैस, ये था इसी ट्रिमर के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन
जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है। और ये ट्रिमर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप इसको ऑनलाइन से परचेस कर सकते हैं। और इसी ट्रिमर का जो प्राइस है ये बहुत ही कम है, आपको ये 400 रुपये से लेके 450 रुपये के अंदर देखने को मिल जाता है। इसका प्राइस कम है मतलब ये नहीं है इसका क्वालिटी ख़राब है, इसका क्वालिटी बहुत ही बेटर है और बहुत ही अच्छा है। अब आपके दाढ़ी को शेविंग करने के लिए किसी भी तरह का दिक्कत इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और आप इसके थ्रू आपका हेयर जो है उसको भी आप यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं। तो गाइस फिलहाल ये था इसी ट्रिमर के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो के नीचे में आपको थैंक्स बटन देखने को मिल जाते जिसको आप यहाँ पे क्लिक करके मुझे थैंक्स और थोड़ा सा हेल्प भी कर सकते जिससे मैं इसी तरह का अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आ सकूँ।